वेलकम बैक ग्राउंड मेरे नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद में उस स्कूल में, सदिया जूनियर मॉडल स्कूल, जहां पर अभी वालदैन की बातें सुनी। किस तरह वालदैन खौफजदा हैं, वो अपनी गुरबत का रोना भी रो रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़ी बड़ी फीसों वाले स्कूलों में नहीं भेज सकते। वो इस बात पर भी परेशान हैं कि अपने बच्चों को कहीं दूर दराज भी नहीं भेज सकते, क्योंकि गाज़ियाबाद में कोई और प्राइमरी स्कूल इस तरह मौजूद नहीं है। और एक जो गाज़ियाबाद में स्कूल इस वक्त कायम है, उसकी सूरत हाल आपके सामने है। कुछ बड़े बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मासूम भोलों जैसे, हम उनसे भी बात करेंगे। राजा अनवर भी मौजूद हैं, मजीन साहिबा भी मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं, रिहाना साहिबा जो इस वक्त स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में हैं और सबका काउंसलर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इन सब के इलाके का मसला इनसे बात करेंगे। ये एक प्यारी सी बेटी मेरे साथ बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है आपका? मरियम। मरियम, पढ़ती हैं आप कौन सी क्लास में? पढ़ती हैं प्रेप में। प्रेप में पढ़ती हैं। ए बी सी और अलिफ भी आती है आपको? सुनाए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। शाबाश मेरी बेटी ने तो सारी सारी पारिशी ने सब बिल्कुल पूरी पूरी सही सुना दी है। इतनी पारिशी बेटी। और ये एक प्यारा सा बेटा भी इधर खड़ा हुआ है। आपका नाम? जरा आपको कोई पोइम वगैरह आती है सुनाए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अमर वन क्या नहीं गाना मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर आप बाबा हां बस तो आई नहीं गाना मैं नहीं का डायमंड इन द स्काई। कैसे वैसे आप थोड़ी देर पहले आप भी अंदर बच्चों का टेस्ट ले रहे थे, आप उनसे पूछ रहे थे हु इज द टॉलेस्ट, हु इज द टॉलर, हु इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉल। बच्चों ने बताया ना आपको? बिल्कुल बताया। बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। और ये हमारा वो असासा है जो रूल रहा है खाता है। आंसू आते हैं कि 62 साल बाद भी हमारे बच्चे गरीब आवाम के मजबूर हैं, सड़कों पे बैठ के, जमीनों पे बैठ के तालीम। और असल ये कोई राजनपुर नहीं है, डेरा गाजी खान नहीं है, हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, बहुत दूर की सुरह। रिजल्ट के हवाले से पहले मैं थोड़ा सा हम स्कूल के स्टैंडर्ड के हवाले से बात करेंगे। मजीद साहब ये बताइएगा स्कूल के रिजल्ट कैसा रहा, खासतौर पर प्राइमरी का, तो आपका बोर्ड का हो रहा है, कैसा रहा आपका रिजल्ट? रिजल्ट हमारा बहुत ही अच्छा आता है इंशाल्लाह, और हमेशा अच्छा ही आएगा। इस दफ़ा इस साल जितने भी बच्चे गए हैं सभी कामयाब हुए हैं, और पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, हर बच्चा कामयाब होता है। अगर 22 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जितने भी जाते हैं कामयाबी होते हैं। सही सही, यानी कि आप रिजल्ट से पूरी तरह से, इसके बावजूद के टीचर्स अभी कल परसों में हैं, दो या तीन बढ़ाई गई हैं, सिर्फ तीन टीचर्स के साथ आप रिजल्ट दे रहे हैं, बड़ी बड़ी हैरत की बात है। हाँ जी, तीन टीचरों के साथ मैं दो क्लासे लेती हूँ 5 और 4, तो हमेशा मैंने ही उन्हें गाइड किया और रिजल्ट बहुत ही अच्छा ही आता है। और टीचर तो हमें अभी मिली हैं, और हम हर टीचर दो दो क्लासों को डील करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले मस्कीनपुरा में भी इसको शिफ्ट किया गया था, रेहाना साहिबा ये ऑर्डर हुए थे कि स्कूल को मस्कीनपुरा में शिफ्ट कर दिया जाए, तो उस पर क्या एतराज़ हुआ था और अब इसकी क्या सूरत हाल है, क्या होना क्या चाहिए आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये हमारा जो गाज़ियाबाद का ये एक तारीखी स्कूल है, तो इसको दूसरे स्कूलों के साथ शिफ्ट कर देना या इसको दूसरे स्कूल में मर्ज कर देना, तो स्कूल यहाँ पे इतना बड़ा ये वादी वाला इलाका है, यहाँ पे सिर्फ एक ही गर्ल्स हाई स्कूल है और ये छोटा सा प्राइमरी स्कूल नहीं है, इसमें 300 बच्चा पढ़ रहा है। और ये सबसे पहले जो आजकल इसका मसला बना हुआ इसकी बिल्डिंग का है, बिल्डिंग की आप हालत देखेंगे किसी वक्त भी कोई हादसा हो जाता है तो इसका कौन जिम्मेदार है? अब ये यहाँ गलियों में बैठे हुए हमारे बच्चे, ये जो हमारे कल का मुस्तकबिल हैं, ये क्या कैसे क्या परवान चढ़ेंगे? और यहाँ देखें कि ये औरतें हैं, औरतें बैठ रही हैं, इनका तकद्दस यहाँ पे पामाल हो रहा है, बेपर्दगी में यहाँ आना जाना लगा हुआ है लोगों का, ये फिर भी तालीम दे रही हैं। मैं गुज़श्ता 15 दिन से इन्हें देख रही हूँ, ये यहाँ गलियों में बैठी हुई पढ़ा रही हैं, और मैं इनके ऊपर इनके ऊपर मुझे फ़ख्र है कि इन्होंने एक दिन भी स्कूल बंद नहीं किया, और बराबर बच्चों को तालीम दे रही है। एक एक क्लास में 90 बच्चा, 100 बच्चा पढ़ रहा है, और इनकी हिम्मत है कि ये पढ़ा रही है, और एक दिन स्कूल को क्लोज नहीं किया। अच्छा, हल क्या जी? मैं इसकी तरफ आऊंगा, मैं जो भी प्रोग्राम हमारा होता है हम ये देखते हैं कि हल क्या है इसका। हल यही है कि इसकी फौरन बिल्डिंग दी जाए, इसको दूसरे स्कूलों में मर्ज करेंगे, वहाँ भी इतनी तादाद है बच्चों की, यहाँ फौरन एक स्कूल बनाया जाए, यहाँ पे इसकी बिल्डिंग दी जाए इसको सबसे पहले,
और फिर इसको बाद में इसके टीचर दिए जाएँ यहाँ पे जितनी तादाद के हिसाब से, क्योंकि ये हमारा बच्चों का मुस्तकबिल है। ये जो आप आबादी देख रहे हैं, यहाँ के वालदेन अपने बच्चों को एक पेंसिल नहीं खरीद के दे सकते। अभी मैं बताऊँ, गवर्नमेंट ने 20 रुपया फीस रखी है, मैंने दो बच्चे दाखिल करवाए हैं, फीस रख दी है 20 रुपये, 20 रुपये फीस रखी है, 20 रुपये इंग्लिश ये नहीं, गवर्नमेंट ने क्या आर्डर है तो वो क्या कहते हैं, यहाँ तो बच्चों को वालदे रोटी नहीं उनकी मिलती, पेट नहीं उनके भरते, तो वो 20 रुपया फीस उसकी माँ नहीं दे सकी, उसके बच्चा आज गलियों में फिर रहा है, एक माँ से दो बच्चे हैं उसके, और वो ये 20 रुपया जो फंड। अच्छा, शुआब साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि स्कूल के बानी भी हैं। शुआब साहब, कैसा इतने अरसे से आप यहाँ पर ये स्कूल चल रहा है और इसका किराया भी गालिबन आप ही देते रहे हैं, बिल्डिंग का और तकरीबन 4,000 के करीब 3800 रुपए का किराया भी, बिल्स ये लोग खुद देते हैं, अब क्या सूरत हाल हो गई है? अब तो मसला ये बन गया है कि बिल्डिंग के क्रैक होने से बेचैनी फैल गई है, और ये स्कूल जो है ना 1962 से कायम है, और लोग इस स्कूल से बहुत मुतमईन हैं, पसंद करते हैं इस स्कूल को, और जो सिद्दीक साहब हैं जी, डायरेक्टर साहब सिद्दीक साहब जो हैं, डीओ साहब, वो आए थे, उन्होंने देखा सब कुछ करा, लेकिन उन दो महीने गुजर गए इस बात को। हाँ, लेकिन उनके पास जाते भी हैं, बात भी करते हैं, उनका जहन सही नहीं है, इस पास से नहीं होते, उनको नजर नहीं आता ये बच्चे यहाँ पे जो हैं बाहर। वो तो ऐसा मुझे लगता है जिस तरह मुशर्रफ का भाई है, खूनखवार इंसान है, जिस तरह उन्होंने वहाँ गोली चलाई, बच्चे मारे, जब उसको पता है कि ये बिल्डिंग गिरने वाले हैं, ये मासूम बच्चे, अगर वो भी साहिब औलाद हो तो उसको एहसास हो उस चीज़ के लिए, उसका मुंह हिलना तो एक काम हो जाना है, लेकिन वो बजाय करने के रुकावट डाल रहा है। और मुझे पता चला कि कोई 35,000 रुपये आप पहले बता रही थी कि जो फंड्स थे आपने बिल्स वगैरह पे करने थे वो भी रोक लिए गए हैं, कोई ऑर्डर दिया गया आपको इस हवाले से? कोई ऑर्डर नहीं आया उसमें से, हम लोग जब ये गवर्नमेंट देती है, अभी 2006 से शुरू किया इन्होंने देना, उससे पहले कभी कभी कोई पैसा नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, बाकायदा रजिस्टर पर एंट्री होती है, इस दफ़ा आया लेकिन उन्होंने उसको भी स्टॉप कर दिया कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, लिख के दे गए, नहीं लिख के नहीं दिया, सिर्फ साइन किया, यानी लिख के ही दे दे, एक किस्म का लिख के ही चेक नंबर लिख के ले गए हैं, ताकि हम लोग मजीद पैसे ना निकलवाएं, बिजली के बिल देने होते, जैसे पानी का बिल है 1,000 रुपये तो पानी का बिल आता है यहाँ पर, वो हम लोगों ने कहाँ से देना, तो इसी पैसे से दिए जाते थे मेम्बरों की रजामंदी से, लेकिन वो भी बंद कर गए हैं कि आप नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोगों ने स्कूल का जो चलाया। हाँ जी सही, मैं इस पर मजीद कहूँगा, ज़रा कुछ बच्चों को बुलाइएगा, ज़रा आगे बच्चे आगे आओ, ज़रा थोड़े से बच्चे इधर आए, ज़रा बेटा आप आओ ज़रा, शाबाश, इतनी ज़्यादा बुक्स उठाई हुई हैं आपने, शाबाश शाबाश। स्कूल की क्या हालत है, ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। किस किस्म का स्कूल होना चाहिए? अच्छा सा स्कूल कैसा होता है? बड़ा सा हो, उसके अंदर क्या हो, ग्राउंड हो, और इधर आओ ज़रा, मुझे और बच्चे बताएं ज़रा, कैसा स्कूल चाहिए, कैसा स्कूल चाहिए? नया स्कूल चाहिए, बिल्कुल नया, दुला दुलाया, रंग हुआ हुआ, कौन सा कलर होना चाहिए उसका? यही कलर हो। यार ये तो गंदा सा कलर हुआ, कोई अच्छा सा बताओ, नया सा कलर। ये राय साहब बना के देंगे आपको स्कूल, बताइए ना जरा जल्दी से। मैरून कलर का, और आपको कौन सा? इधर आए जरा बेटा, आप ही आ जाए, आते जाए बताते जाए, क्या नया स्कूल चाहिए? जी। कैसा नया? कैसा? ग्रीन कलर का, इसको ग्रीन कलर का चाहिए। और आपको बेटा कैसा स्कूल चाहिए? जो हमारी मिस को पसंद हो वो ही हमें चाहिए। ओए ओए ओए, जो मिस को पसंद होगा वही आपको चाहिए होगा। मिस डांटती टूटती तो नहीं है, मारती तो नहीं है, जोर जोर से थप्पड़ थप्पड़ तो नहीं मार देती, प्यार से पढ़ाती हैं। अच्छा, और बेटा आपको कैसा स्कूल चाहिए? प्यारा सा। कितना प्यारा, किस किस्म का हो, ग्राउंड हो वहाँ पे, क्या हो? ग्राउंड हो, बहुत प्यारा हो। ग्राउंड हो और बहुत प्यारा हो। और ये बड़ी प्यारी सी बेटी पीछे खड़ी हुई है, आपको इधर इधर आप हाँ जी, आपको कैसा स्कूल चाहिए? नया। ये अंकल बैठे हैं, इनको बताएं सारे बच्चे कैसा स्कूल चाहिए, इधर आए जरा बताएं, कौन बताएगा, आपने ही बताना है, कैसा स्कूल चाहिए आपको? हमें अच्छा सा स्कूल चाहिए। अच्छा सा स्कूल चाहिए, जहाँ पे हम तालीम हासिल कर सकें। जहाँ पे आप तालीम हासिल कर सकें, उसके साथ साथ खेल भी सकें। और यहाँ पे सफाई वगैरह कौन करता है स्कूल की? स्कूल की सफाई वगैरह कौन करता है? करते हैं हम सब, बच्चे टीचर सब मिलके, हम खुद ही करते हैं, बच्चे करते हैं। अच्छा, यानी कि इस वक्त कोई नायब का असर खाकरों में रायसा को बता रहा था, मुझे बताया गया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लें जनाब, गेंद जो आ गई है पूरी तरह राय साहब की कोर्ट में,
यहाँ के मौजूदीन इलाका ने जो कुछ बताया, बच्चों की जो ख्वाहिश है, उनको प्यारा सा नया सा स्कूल चाहिए, किसी को मैरून कलर में चाहिए, किसी को ग्रीन चाहिए, राय साहब दे सकते हैं या नहीं, इनसे पूछते हैं इस ब्रेक के बाद।